पहली बड़ी खबर आपको बता दें, अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को रविवार को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से बाहर आते वक्त उनके हाथ में हनुमान चालीसा दिखी। उन्होंने अस्पताल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मैं 14 दिनों तक क्या 14 साल भी जेल में रहने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देती हूं कि वे महाराष्ट्र में कहीं से भी चुनाव लड़ें और मैं उनके खिलाफ खड़ी होंगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने से पहले सांसद नवनीत राणा ने रविवार को कहा कि हम लड़ने के लिए कृति संकल्प हैं। मुख्यमंत्री हम पर दबाव बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिलते, राज्य का दौरा नहीं करते, जिले मंत्रालय में नहीं आते, ये कभी पता नहीं चलता कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है या नहीं। हम 1 से 2 दिन में समस्या की रिपोर्ट दिल्ली को देंगे। एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी का तंज, कहा कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर आज 1 के बराबर। एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर राहुल गांधी का तंज, कहा कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर की कीमत आज 1 के बराबर। राहुल गांधी ने कहा सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी 0 हो गई। कांग्रेस भलाई के लिए काम करती थी राहुल गांधी। शनिवार को 50 रुपए महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ताजमहल के 22 बंद कमरों की एसआई से जांच कराने की याचिका दायर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें एएसआई को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलकर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि जिससे ये पता चल सके कि वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है या नहीं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग के साथ मैच से पहले दिल्ली का एक और खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ मौजूद एक नेट बॉलर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उस खिलाड़ी के साथ ही होटल रूम में रह रहे एक और अन्य खिलाड़ी को क्वारंटाइन कर दिया गया। अगले 24 घंटों में तेज चक्रवात में बदलेगा आसानी। ओडिशा बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार झारखंड में भी अलर्ट जारी। साल के पहले चक्रवाती तूफान आसानी के अगले 24 घंटे में तेज होने की आशंका है। भारत मौसम विभाग का कहना है कि तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह विशाखापट्टनम से दक्षिण पूर्व दिशा में 970 किलोमीटर और 1020 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के बीच शिवसेना ने एक बार फिर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या के उनके आगामी दौरे को लेकर रविवार को निशाना साधा। राउत ने कहा कि भगवान राम उन लोगों को आशीर्वाद नहीं देते जो उनके पास फर्जी भावनाएं लेकर आए और राजनीति वजहों से आते हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का आह्वान करके हाल में विवाद खड़ा करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वह भगवान राम का आशीर्वाद लेने 5 जून को अयोध्या जाएंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के 5 जून को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अयोध्या में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि असली आ रहा है, नकली से सावधान रहें। शिवसेना की ओर से लगाए गए इस पोस्टर से राज ठाकरे के ऊपर निशाना साधा गया है जिन्हें नकली हिंदू बताया गया है। इससे पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पोस्टर लगाए थे कि जिनमें लिखा था कि राष्ट्रीय लक्की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राणा दंपति की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। हनुमान चालीसा विवाद के बाद जेल से रिहा होने के बाद सांसद नवनीत राणा उनके पति के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार राणा दंपति की बेल को चुनौती देने पर विचार कर रही है। विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता प्रदीप घरात ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार सांसद नवनीत राणा उनके पति विधायक रवि राणा को दी गई जमानत रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर करेगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के हिंदूवादी संगठन श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने रविवार को ऐलान किया कि 9 मई से राज्य के 1000 से ज्यादा मंदिरों में सुबह 5 बजे हनुमान चालीसा या ओमकारा या भक्ति गीतों को
बजाने की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार यहाँ मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। रवि राणा का उद्धव सरकार पर हमला, संजय राउत तो चमन्नी छाप हैं। सीएम पर बोले, जो रावण के साथ हुआ वही उनके साथ होगा। जेल से बाहर आते ही सांसद नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस तरह का अहंकार है तो याद रखिए कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिकता। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि आतताई आक्रांता जिन्होंने मंदिर तोड़े उनके वंशजों को भारत के संविधान कानून व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। इन लोगों ने कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर सर्वे नहीं होने दिया। वहां पर अराजकता की स्थिति पैदा करना इनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सर्वे कब तक रोकेंगे, आज रोकोगे या कल रोकोगे या सर्वे नहीं होने दोगे। सर्वे पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, निर्णय न्यायालय को लेना है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबरसु आसपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ सभी नेता अखिलेश यादव का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव अखिलेश यादव के गठबंधन में लड़ेंगे। अखिलेश यादव, संजय चौहान और जयंत चौधरी के साथ हुआ गठबंधन बना रहेगा। सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर गठबंधन जो बना है वो ऐसे ही बना रहेगा और बीजेपी को 2024 में हराएंगे। उत्तर प्रदेश में 1,00,000 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं 15 दिनों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश कि वापस ना लग जाएं लाउड स्पीकर। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं वे दोबारा ना लग पाए। धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के अंदर ही सीमित हो, कोई भी पर्व त्योहार आयोजन सड़क पर ना हो। गर्मियों की छुट्टियों में उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में तत्काल टिकटों के लिए मारामारी है। मुंबई में रोजाना औसतन 30 ट्रेनें उत्तर भारत की ओर चल रही हैं और जिनमें सामान्य कोटे से सीट मिलना तो लगभग नामुमकिन है। इन ट्रेनों के लिए जो तत्काल कोटा है वे सीटें 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट में पूरी तरह से बुक हो रही हैं। बुकिंग ऑफिस में काम करने वाले सूत्रों ने बताया कि दरभंगा और गोरखपुर वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। इन दोनों स्थानों की ट्रेनों में तत्काल बुकिंग शुरू होते ही 30 सेकंड के अंदर सीटें बुक हो रही हैं। इसके बाद पटना और बनारस की ट्रेनों में 1.5 से 2 मिनट के अंदर सीटें बुक हो रही हैं। मुंबई महानगर पालिका की ओर से सबके लिए पानी योजना की शुरुआत शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों गोरेगांव में हुई। सबके लिए पानी योजना के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में जल्द ही एक ऐसा कार्ड सिस्टम शुरू किया जाएगा जिसमें एक कार्ड ही बस ट्रेन यानी सभी जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी और राज ठाकरे पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हाथ मारने वाले बहुत हैं लेकिन अच्छे कामों के लिए हाथ देने वाले लोग कम ही मिलते हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त वैचारिक प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। मैं आज काफी दिनों बाद मास्क हटा कर आया हूँ। 14 तारीख को कुछ लोगों के मास्क उतारने वाला हूँ। मोदी सरकार की शर्तों पर भड़के एलन मस्क, भारत को छोड़ अन्य बाजारों पर किया फोकस। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा टेस्ला के सामने भारत में ही इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करने और यहीं से उसका निर्यात करने की शर्त पर एलन मस्क भड़क गए हैं। बीजेपी सरकार के रुख के विरोध में मस्क अब भारत को नजरअंदाज करके दूसरे बाजारों की ओर रुख करते दिख रहे हैं। 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र में पुणे के भीमा कोरेगांव इलाके में हिंसा के बाद दलित राजनीतिक कार्यकर्ता अनिता सावले ने संभाजी भिड़े और एक अन्य हिंदूवादी नेता मिलिंद एकबोटे के नाम एक FIR दर्ज कराई थी जिसमें उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपियों में से हिंदूवादी नेता संभाजी भिड़े का नाम हटाया गया पुलिस। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक जिले की हैं, जहां जिले में मौजूद भागोहोल गांव में रोज गड्ढा खोदकर बूंद बूंद पानी निकालने को मजबूर हैं महिलाएं।